हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम पर चैट किए हुए हिस्टोरी को डिलीट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में ये ऑप्शन नहीं दिया है कि आप जो भी चैट किए हैं उसे डिलीट कर पाएं। सो गाइस, इंस्टाग्राम एक नया फीचर अपडेट किया है, उस फीचर को आप यूज़ करके आप चैट किए हुए हिस्टोरी को डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट में जब भी आप किसी फ्रेंड के साथ चैटिंग करेंगे तो आपको वैनिश मोड इनेबल करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि वैनिश मोड क्या है। जब भी आप अपने इंस्टाग्राम में वैनिश मोड इनेबल करके किसी भी फ्रेंड के साथ चैटिंग करते हैं, चैटिंग करने के बाद जब आप बैक चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है। सो गाइस, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सीखते हैं कि इंस्टाग्राम में वैनिश मोड कैसे इनेबल करते हैं। सो गाइस, वैनिश मोड इनेबल करने के लिए आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद चैट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर क्लिक करने के बाद तो गाइस, अब यहाँ पे आपको उस फ्रेंड को सेलेक्ट करना है जिस फ्रेंड के साथ आप चैटिंग करना चाहते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं एमआर डेविड को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जब आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो जो भी चैटिंग किए रहेंगे यहाँ पे दिखाई देगा। सो गाइस, यहाँ पे बहुत से लोग ये देखते हैं कि ये डिलीट हो जाएगा कि नहीं। सो गाइस, यहाँ पे डिलीट होने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। सो गाइस, उसी के लिए यहाँ पे वैनिश मोड बनाया गया है। सो गाइस, यहाँ पे आपको वैनिश मोड इनेबल करने के लिए आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज टू टर्न ऑन वैनिश मोड। सो गाइस, यहाँ पे स्वाइप करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे वैनिश मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सो गाइस, वैनिश मोड इनेबल होने के बाद अब यहाँ पे आपको जो भी चैटिंग करना है यहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे चैटिंग करने के बाद सेंड पे क्लिक करेंगे, ये मैसेज उसके पास चला जाएगा। सो गाइस, सामने वाला जब भी बंदा अपना स्मार्टफोन ओपन करेगा और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करेगा, सो गाइस उसके स्मार्टफोन में वैनिश मोड ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी पिक्चर, कोई भी वॉइस, कोई भी मैसेज यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। कैमरा से फ़ोटो कैप्चर करके भी सेंड कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक फ़ोटो सेंड कर देता हूँ इसके पास। सो गाइस, इस फ्रेंड के पास मैं एक फ़ोटो सेंड कर दिया हूँ। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जब मैं वैनिश मोड डिसेबल करूँगा या ऑफ करूँगा, ठीक है, तो उसके स्मार्टफोन से ये पूरा को पूरा हिस्ट्री क्या होगा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो गाइस, सामने वाला बंदा अगर चाहेगा स्क्रीनशॉट लेना या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना या उसको किसी भी तरह से सेव करने की कोशिश करेगा तो ये सेव नहीं कर पाएगा, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। सो गाइस, मेरे पास एक ही स्मार्टफोन है इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाया हूँ। अगर आपके पास दो स्मार्टफोन है तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही वैनिश मोड इनेबल करेंगे और चैटिंग करेंगे तो सामने वाले स्मार्टफोन में भी वैनिश मोड इनेबल हो जाएगा। सो गाइस, इसका मेन फ़ायदा यही है कि जब भी आप चैटिंग करेंगे सामने वाले के स्मार्टफोन में यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट में ये हिस्ट्री नहीं दिखाई देगा। सो गाइस, चैटिंग करने के बाद वैनिश मोड को डिसेबल करने के लिए आपको फिर से ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, वैनिश मोड डिसेबल हो जाएगा। सो गाइस, जितना भी आप चैटिंग किए रहेंगे वैनिश मोड डिसेबल करने के बाद ऑटोमेटिक उसके स्मार्टफोन से हिस्ट्री डिलीट हो जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैनिश मोड इनेबल करके कैसे चैटिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि ऐसी नई नई वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे।